गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के मिस्ट्रियल में आने वाला है एक ट्विस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, एक तरफ आर्यन मीर को बचा कर लाएगा, मना कर लाएगा, दूसरी तरफ नर्मदा लगाएगी ब्लू आंटी की सिखाई हुई कंडीशन कि इमली को यहाँ रहने के लिए जॉब छोड़नी होगी। फ्रेंड्स, जब इमली उबलते हुए पानी के देखचे में गिने लगती है तो आर्यन उसे खींच कर बचा लेता है। इमली कहेगी कि हम तुम्हारे लायक नहीं है बीपी, हम पर घर तोड़ने का दाग लग चुका है, तुम जाओ। आर्यन नहीं मानता। फिर इमली एक सफेद कपड़ा रंग में डुबोती है और कहती है कि औरत की इज्जत और उसका वकार इस सफेद कपड़े जैसा है, जिसे अगर दाग लग जाए तो कोई उसे मिटा नहीं सकता। फ्रेंड्स, वो इस कपड़े का रंगा हुआ हिस्सा पानी के एक साफ टब में डुबोती और दाग निकालने की कोशिश करती है और फिर कहती है कि हाँ पर घर उजाड़ने और घर तोड़ने का दाग लग चुका है बीपी, कोई उसे नहीं मिटा सकता। यही आर्यन वही कपड़ा सारे का सारा रंग में डाल देता है, उसे पूरा रंग देता है। आर्यन कहता है कि इमली, मैं तुम्हें अपने रंग में रंग दूंगा, मैं तुम्हें इतनी इज्जत और इतना वकार दूंगा कि कोई तुम्हारा पास तक नहीं देख पाएगा। दूसरी तरफ नर्मदा टीवी पर इमली के कारनामे सुनेगी कि किस तरह उसने अपने शोहर की जान बचाई। यही नर्मदा का दिल मोम होता है तो गुड़िया कहती है कि ये तो सब कुछ फेक है आज का, ये सब कुछ चलता है। ब्लू आंटी भी कहती है कि कच्ची इमलिया को जब तुमने हरी झंडी दिखाई तो उसने अपने शोहर के चैनल पर ये न्यूज डालकर एक नई चाल चली है। फिर नर्मदा फ्रेंड्स उससे मशवरा मांगती है कि वो बहुत परेशान है, क्या करे, तो वो इमली पर शरारत लगाने की पटियां उसे पढ़ाती है। आर्यन जब इमली को घर ले आता है तो नर्मदा फ्रेंड्स ये शर्त रखेगी कि इस घर में रहने के लिए इमली को जॉब छोड़नी होगी। तो फ्रेंड आर्यन वहां पर डर जाता है कि अब इमली का नाम आर्यन के नाम से जुड़ गया है। शादी के वक्त उसे हर काम करने की इजाजत थी और अब भी उसका हक कोई नहीं खेल सकता, और वो उसे सबके सामने बड़े फखर से लेकर चला जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।